हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि परांतक प्रथम के पश्चात जो है चोल राजवंश में जो नेक्स्ट जो सक्सेसर होता है उनका नाम है गणरादित्य, जो कि वन ईयर वन एंड हाफ ईयर तक अप्रोक्स रूल करते हैं। उनके बाद जो है चोल राजवंश में जो नेक्स्ट सक्सेसर होता है, उत्तराधिकारी होता है, वो अरिंजय होता है। थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड में बताने का ये प्रयास करेंगे कि परांतक प्रथम के काल में हमें चोल राजवंश में हमें उसके साम्राज्य में हमें वृद्धि दिखलाई देती है, अम्पायर एक्सटेंशन दिखलाई देता है। लेकिन परांतक प्रथम के कार्यकाल के अंतिम दिनों में हमें ये भी दिखलाई देता है कि किस प्रकार से राजकूट शासक कृष्ण तृतीय एवं उसके सहयोगी गंग शासक बुतुंग के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सपेडिशन के परिणाम स्वरूप चोलों की सबसे महत्वपूर्ण जो नगर हैं कांची, तंजौर तथा मदुरा के साथ साथ रामेश्वरम, ये संपूर्ण जो क्षेत्र परांतक प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तार के द्वारा जो है एस्टैब्लिश किया था, वो सभी के सभी जो है एक के बाद एक वो जो है हार जाते हैं और उनके ऊपर जो है कृष्ण तृतीय राजकोट शासक कृष्ण तृतीय का जो है कब्जा हो जाता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में जो है चोल साम्राज्य पूर्ण रूपेण जो है बिखर जाता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको पुनः जो है एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता जो है महसूस होती है। और परांतक प्रथम का जो अंतिम कार्यकाल है 955 ईस्वी जो है उनका अंतिम शासन शासन वर्ष माना जाता है। उसके पश्चात लगभग 30 वर्षों का जो चोल इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब यानी कि बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित हमें दिखलाई देता है। और इस बीच अनेकों शासक हमें दिखलाई देते हैं जिसमें गणरादित्य अरिंजय है और इसके साथ ही कुछ अन्य शासक भी अलग अलग क्षेत्रों में चोल शासक जो है शासन कर रहे थे। इसके पश्चात जो सबसे प्रमुख शासक हमें दिखलाई देता है वो है परांतक द्वितीय, जो कि 957 ईस्वी में जो है शासक बनते हैं और 957 टू 973 AD तक जो है उन्होंने शासन किया था। इनका जो दूसरा नाम है वो है सुंदर चोल, यानी ये दो नामों से इतिहास में प्रसिद्ध हैं, एक है परांतक द्वितीय और दूसरा है सुंदर चोल। ही वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ अरिंजय, ये अरिंजय के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे और इनके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमें दिखलाई देती है पांड्य एवं श्रीलंका के शासकों के साथ जो है ये युद्ध करते हैं और ये युद्ध जो है चेबूर नामक स्थान पे होता है। और इनकी जो सबसे प्रमुख उपलब्धि हमें दिखलाई देती है वो होती है पांड्य शासक वीर पांड्य को जो है ये युद्ध में पराजित करते हैं और पराजित होने के पश्चात जो है वीर पांडे युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। इसके पश्चात जो है परांतक द्वितीय जो है वो परांतक द्वितीय जो है वो श्रीलंका के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी पुष्टि जो है हमें श्रीलंका के ऊपर आक्रमण करते हैं, जिसकी पुष्टि हमें अभिलेखीय साक्ष्यों से होती है। इसके अतिरिक्त हमें अनेकों परांतक द्वितीय कैसे अनेकों अभिलेख जो है उन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं जिनके ऊपर त्रिस्थिति के कार्यकाल में जो है राजकूटों ने अधिकार कर लिया था, वो चोल क्षेत्र थे। तो इसके अभिलेख हमें तोर्णमंडलम, आर्कोट और चिंगलेपुट क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें संभवतः जो है परांतक द्वितीय ने जो है राजकोषों से जो है वापस प्राप्त किया था। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हमें दिखलाई देते हैं चोल राजवंश में वो है राजराज द ग्रेट। इनका जो रूलिंग ईयर है कुल 985 टू 1015 यानी 950 ईस्वी से लेकर 1015 ईस्वी तक जो है इनका शासन वर्ष जो है माना जाता है। ही वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ परांतक द्वितीय,
ये परांतक द्वितीय के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे. एंड मदर नेम वाज वन वन महादेवी. और इन्हें जो है अपने पिता से जो है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ मिलिट्री एक्सपीरियंस जो है एक युवराज के रूप में उन्होंने प्राप्त किया था अपने पिता के शासन वर्षों के दौरान. और इनका जो ओरिजिनल नेम था वो राजकेसरी अरुमोली वर्मन था. और इनकी चीफ क्वीन का नाम लोक महादेवी था. और लगभग 25 जून 1985 को जो है ये चोल राज सिंहासन पर बैठते हैं. और इस उपलक्ष्य में यानी इस ओकेजन पर जो है एक न्यू नेम जो है अडॉप्ट करते हैं वो है राजराज. एंड अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस यानी इतिहासकारों के अनुसार ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द ग्रेट चोल एम्पायर यानी महान चोल साम्राज्य का जो है इन्हें वास्तविक जो है संस्थापक जो है माना जाता. राजराज के राजगद्दी पर बैठने के पश्चात तमिल क्षेत्र अथवा चोल राजवंश का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज जो है वो स्टार्ट होता है. और ये जो काल है राजराज का वो ग्लोरियस फेज माना जाता है चोल राजवंश के लिए. सबसे महत्वपूर्ण फेज जो है ये माना जाता है. और राजराज जो है के ऊपर जो है हमें प्रभाव जो है विजयालय का हमें प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखलाई देता है. और वो एक इम्पीरियल रूलर के रूप में जो है हमें ये दिखलाई देते हैं. राजराज को सबसे ज़्यादा जो मदद प्राप्त होती है वो अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम से जो है इन्हें सबसे ज़्यादा जो है हेल्प इनको प्राप्त होती है. और इन्होंने ना सिर्फ अपने राज्य का विस्तार किया अपितु अपने सिविल सर्विसेज जो थे अपने राज्य के उनमें इम्प्रूवमेंट वो करते हैं. इसके साथ साथ ही साथ वो अपने आर्मी को वेल ऑर्गेनाइज और उसे एग्रेसिव जो है अपने आर्मी को ये बनाते हैं. तथा आर्ट आर्किटेक्चर में भी राजराज का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है. इसके अतिरिक्त रिलीजन एंड लिटरेचर में भी जो है इनके काल में जो है एक महत्वपूर्ण हमें ग्रोथ जो है दिखलाई देता है. यानी इनके काल में हमें ओवरऑल एक हर एक फेज में हमें जो है हर एक सेक्टर में हमें डेवलपमेंट जो है दिखलाई देता है. इसके अतिरिक्त जो है राजराज ने जो है एक टाइटल जो है कैरी किया था वो है मोमांडी चोल देव. राजराज जो है एक इम्पीरियल रूलर थे एक साम्राज्यवादी शासक थे. और जैसा कि आप जानते हैं कि चोलों का आरंभिक समय से ही पांड्यों के साथ जो है हमें कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है. और समय समय पर अनेक चोल शासकों को जो है पांड्यों के अगेंस्ट जो है मिलिट्री कैंपेन और उनके बीच जो है पांड्यों के साथ हमें कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है. तो शासक बनने के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमें युद्ध जो दिखलाई देता है वो है मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट केरल पांड्य एंड सीलोन. राजराज के शासक बनने के पश्चात केरल पांड्य और श्रीलंका के शासकों ने संभवतः एक मिलिट्री अलायंस जो है एस्टेब्लिश किया था राजराज के अगेंस्ट में. और इसकी सूचना जो है राजराज को पहले से ही प्राप्त हो गई थी. और इस मिलिट्री कैंपेन के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो है तिरुवलंगाडु अभिलेख से जो है हमें इसकी सूचना प्राप्त होती है. और सबसे पहला जो युद्ध होता है राजराज का वो है केरल के शासक रवि वर्मा के साथ होता है. और इस युद्ध में जो है राजराज केरल के जो है शासक को डिफीट करते हैं और उसके क्षेत्रों को जो है कैप्चर कर लेते हैं. और इस ओकेजन पे जो है राजराज कंटरूर सलाइकल मरूथ की जो है उपाधि धारण करते हैं. उनकी ये इस उपाधि से स्पष्ट ये इंगित होता है संकेत होता है कि केरल स्टेट को जो है उन्होंने कैप्चर किया था और वहाँ के शासक को पराजित किया था. इसके पश्चात जो सेकेंड मिलिट्री कैंपेन होता है राजराज फर्स्ट का वो होता है पांडे शासक अमर भुजंग के अगेंस्ट.
इसके बारे में भी सूचना हमें जो है तिरुवल्लंगादु अभिलेख से प्राप्त होती है कि किस प्रकार से अमरभुजम को पराजित करने के पश्चात जो है मदुरई को जो है कैप्चर कर लिया जाता है, और इन दोनों को केरल पांडे को पराजित करने के पश्चात जो है राजराज फर्स्ट जो है श्रीलंका के शासक महेंद्र वर्मन पंचम के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन करते हैं, और उसके लिए वो अपनी नेवल आर्मी का जो है सहारा लेते हैं, और राजराज फर्स्ट के द्वारा श्रीलंका के अगेंस्ट नेवल मिलिट्री एक्सपेडिशन किया जाता है, और इस युद्ध में भी उन्हें जो है सफलता प्राप्त होती है। और तिरुवल्लंगादु अभिलेख में राजराज प्रथम की श्रीलंका अभियान की जो तुलना है वो भगवान राम के द्वारा जो है रावण के खिलाफ की गई जो युद्ध से अभियान से जो है की गई है। श्रीलंका को कैप्चर करने के पश्चात उसकी प्राचीन प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को से स्थानांतरित यानी कि जो है शिफ्ट कर पोलनरुवा को जो है श्रीलंका की राजधानी जो है वो बनाते हैं, और पोलनरुवा का जो है वो नया नाम भी रखते हैं, वो है जननाथ मंगलम जो है उसका नया नाम वो रखते हैं। और श्रीलंका में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करने का भी श्रेय जो है इन्हें दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है संभवतः ये जो मिलिट्री एक्सपेडिशन हुआ था केरल पांडे एंड सिलोन के अगेंस्ट में, ये 989 to 993 के बीच जो है ये तीनों सैन्य अभियान जो है किए गए थे। इसके पश्चात राजराज का जो इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन जो होता है वो वेस्टर्न गंग यानी पश्चिमी गंगों के विरुद्ध होता है, और इसकी पुष्टि जो है राजराज के सिक्स रुलिंग ईयर में जारी किए गए अब एक अभिलेख से होते हैं जिसमें इस क्लियरली मेंशन किया गया है कि राजराज फर्स्ट ने नोलम एवं गंगों को जो है युद्ध में पराजित किया था, और इसके परिणाम स्वरूप चोलों की जो बाउंड्री है वो मैसूर तक जो है स्प्रेड हो जाती है, यानी उनका जो साम्राज्य है आधुनिक मैसूर तक जो है पहुंच जाता है। राजराज प्रथम का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल अचीवमेंट मानी जाती है वो चालुक्य ऑफ कल्याणी के साथ जो है होने वाला युद्ध जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। और राजराज प्रथम के शासनकाल में ही जो है हमें एक नए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सूचना प्राप्त होती है जिसे इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है चोल चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। चोल चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, और आपको ये देखना होगा कि किस प्रकार से आपको याद होगा कि किस प्रकार से राजकूट शासक कृष्णदिति ने जो है चोल शासक परांतक प्रथम के खिलाफ एक मिलिट्री कैंपेन किया था, और एक के बाद एक कांची तंजौर मथुरा और रामेश्वरम इन सभी क्षेत्रों को जो है उन्होंने जीत लिया था, और इस युद्ध के पश्चात जो चोल राज्य है कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। चोल अम्पायर जो है कंप्लीटली पूर्ण रूप से जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस युद्ध में जो है तैलपदिति जो कि चालुक्य ऑफ कल्याणी डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं उन्होंने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया था। यानी कि हम ये स्पष्ट रूप से देखते हैं कि पास्ट में जो है दक्कन के शासकों और तमिल के शासकों के बीच जो है एक कन्फ्लिक्ट की एक परंपरा में दिखलाई देती है, इसी प्रकार की परंपरा आपको चालुक्य वातापी और पल्लवों के बीच भी दिखलाई देती थी जो कि बहुत ही लंबे समय तक चली थी, और यही परंपरा हमें राजकूट एवं चोलों के बीच भी यह परंपरा हमें दिखलाई देती है। उसके पश्चात जो ये परंपरा हमें कंटिन्यूटी के रूप में दिखलाई देती है चालुक्य ऑफ कल्याणी और चोलों के रूप में जो लगभग 100 वर्षों से ज्यादा समय तक तो है जो है ये परंपरा हमें एक कन्फ्लिक्ट जो है हमें
वो कंटिन्यू हमें दिखलाई देती है। तो राजराज प्रथम के जो समकालीन शासकों की बात करें तो तैलब्दिति और सत्यास्रय, ये दोनों जो है राजराज प्रथम के जो है समकालीन शासक माना जाता है। और संभवतः जो प्रथम कॉन्फ्लिक्ट हुआ चोल और चालुक्यों के बीच वो राजराज और तैलब्दिति के शासनकाल में हुआ था। और इस युद्ध में जो आरंभिक सफलता है वो जो है तैलब्दिति को प्राप्त होती है। और तैलब्दिति जो है इस युद्ध में आरंभिक जो युद्ध में जो है तैलब्दिति जो है सफल होते हैं। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि चालुक्य अवकल्याणी शासक सत्यास्रय के काल में जो है पुनः जो है चोल चालुक्य के बीच जो है संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट आरंभ होता है। इसके बारे में चोल चालुक्य संघर्ष यानी सत्यास्रय और राजराज प्रथम के बीच होने वाले संघर्ष की सूचना हमें तिरुवलंगाजु अभिलेख, करंडे ग्रांड इंस्क्रिप्शन, राजेंद्र कन्याकुमारी इंस्क्रिप्शन ऑफ राजेंद्र फर्स्ट तथा सत्यास्रय के जो है होटलूर अभिलेख से भी हमें इसके बारे में जो है डिटेल इंफॉर्मेशन जो है हमें प्राप्त होती है। तिरुवलंगाडु अभिलेख के अनुसार सत्यास्रय जो है राजराज फर्स्ट की आर्मी को जो है फेस नहीं कर पाते हैं और इनके बीच जो है अनेकों जो है युद्ध होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप सत्यास्रय जो है एस्केप कर जाते हैं, बैटलफील्ड से जो है एस्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। करंडे ग्रांड डिस्क्रिप्शन में भी कुछ इसी प्रकार सिमिलर डिस्क्रिप्शन हमें प्राप्त होते हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो चोल आर्मी है वो बैंक ऑफ तुंगभद्रा यानी तुंगभद्रा नदी तक जो है वो पहुंच जाती है और चोल आर्मी ने जो है चालुक्यों की जो नगर है उनमें बहुत ही ज्यादा लूटपाट करते हैं और वहां से बहुत सारे धन को जो है कलेक्ट करके वो वापस आते हैं। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि किसी प्रकार से जो है सत्यास्रय अपने राज्य को जो है बचाने में सफल होते हैं और तुंगभद्रा नदी जो है चोल चालुक्यों के बीच एक बाउंड्री जो है सीमा का निर्धारण जो है करने लगती है। यानी इस सफलता के परिणामस्वरूप, इस अभियान के परिणामस्वरूप जो है चोलों का जो राज्य है वो तुंगभद्रा नदी तक जो है वो पहुंच जाता है। इसके पश्चात हम ये देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण जो अभियान होता है वो है इंटरफेरेंस इन वेंगी स्टेट, वेंगी राज्य में जो है इनके द्वारा जो हस्तक्षेप किया जाना। इस समय जो वेंगी का जो शासक था वो है शक्ति वर्मा, इस समय शासन कर रहे थे और इन इनके साथ जो है राजराज प्रथम के जो है बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन यानी मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अपनी इस फ्रेंड रिलेशन को जो है राजराज फर्स्ट जो है मैट्रिमोनियल जो है रिलेशन में जो है एस्टेब्लिश करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह शक्ति वर्मा के यंगर ब्रदर छोटे भाई विमलादित्य के साथ करते हैं और इस प्रकार से इनके बीच जो है एक मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टेब्लिश होता है और इनके जो बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखलाई देती है। इसके पश्चात राजराज प्रथम ने कलिंग के ऊपर जो है एक एक स्मॉल स्केल मिलिट्री कैंपेन किया था और कलिंग को जो है वो अपने इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में जो है लेकर आते हैं यानी कि कलिंग जो है उनके इन्फ्लुएंस में इसके बाद आ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमें अभियान दिखलाई देता है वो है मालदीव। जैसा कि आप जानते हैं कि मालदीव जो है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में 1200 द्वीपों का छोटे छोटे का एक समूह है जो आज भी हिंद महासागर के में स्थित है। और आपको ये पता होगा कि चोल शासक जो है भारतीय इतिहास के वो प्रथम राजवंश है जिनका साम्राज्य जो है इंडियन ओशन के ऊपर जो है रूल कर रहे थे और इंडियन ओशन के ऊपर के द्वारा होने वाले संपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी ट्रेड एंड कॉमर्स को जो है ये पूर्ण रूप से कंट्रोल कर रहे थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इनका मिलिट्री एक्सपेडिशन होता है वो मालदीव के अगेंस्ट में होता है। के लिए जो ये राजराज फर्स्ट अपनी नेवल आर्मी का सहारा लेते हैं और अपनी एक
एक नवल मिलिट्री एक्सपेडिशन जो है मालदीव को आइलैंड को कैप्चर करने के लिए जो है इनके द्वारा भेजा जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो इंडियन ओशन है ये कम्प्लीटली जो है चोलो के डायरेक्ट जो है कंट्रोल में आता हुआ दिखलाई देता है। इस प्रकार से भी देखते हैं कि अपने राजराज फर्स्ट एक वैरियर के रूप में जो है हमें दिखलाई देते हैं और एक इम्पीरियल रूलर के रूप में हमें ये दिखलाई देते हैं, और अपने मिलिट्री कैंपेन के द्वारा होल तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड श्रीलंका और मालदीव का जो पूरा एरिया है वो ये कैप्चर करते हैं, और एक बहुत ही बिग अम्पायर की जो है ये एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त राजराज फर्स्ट जो है शिव के फॉलोवर थे, और अपने लॉर्ड के लिए इन्होंने एक तंजौर में एक बहुत ही ग्रैंडेस्ट टेंपल का निर्माण किया था। ग्रैंडेस्ट टेंपल इन एंशिएंट इंडिया उसे माना जाता है, और उसका जो नाम था बृहदीश्वर टेंपल ऑफ तंजौर या तंजौर टेम्पल भी कहा जाता है। तीसरा जो नाम है राज राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि राजराज प्रथम ने जिस मंदिर का निर्माण कराया था उसे बृहदीश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, उसे तंजौर टेम्पल भी, तंजौर मंदिर भी कहा जाता है, और उसे राज राजेश्वर मंदिर भी जो है कहा जाता है। और ये ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है और प्राचीन भारत के बने हुए मंदिरों में सबसे मंदिर जो है इसे माना जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कितना ये इस मंदिर का जो शिखर है कितना विशाल है, और प्राचीन भारत में इतना विशाल जो है मंदिर का निर्माण कभी नहीं हुआ है, और 1000 सालों से ये जो मंदिर है चोलों की भव्यता, उनकी शानो शौकत, ग्रैंड्योर, ग्लोरी, उनकी वेल्थ, उनकी पावर को जो है रिप्रेजेंट जो है करता है। इस मैप में आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है राजराज फर्स्ट ने इस छोटे से क्षेत्र को जो है, जो कि चोलो का जो क्षेत्र था, इस छोटे से क्षेत्र को वो किस प्रकार से अलग अलग सैन्य अभियानों के द्वारा केरल के अगेंस्ट, पांड्यों के अगेंस्ट, गंगों के अगेंस्ट, वेंगी के अगेंस्ट, कलिंग के अगेंस्ट, कलिंग इनके इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में था, और श्रीलंका के अगेंस्ट में वे मिलिट्री कैंपेन करते हुए किस प्रकार से जो है ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, और ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये चालुक्य ऑफ कल्याणी का जो है क्षेत्र जो है माना जाता है, और संभवतः जो मालदीव का जो आइलैंड है वो यहाँ पर इंडियन ओशन में इस क्षेत्रों में कहीं 1200 इस छोटे छोटे आइलैंड का एक समूह है, इसे भी उन्होंने कैप्चर किया था। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि संपूर्ण जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में हमें दिखलाई देता है, और इंडियन ओशन के ऊपर भी हमें इनका जो है इन्फ्लुएंस दिखलाई देता है। थैंक यू वेरी मच।